पंडित हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा का हुआ अनावरण। जगतगुरु शंकराचार्य की सांकेतिक उपस्थिति में वर्चुअल संपन्न हुआ कार्यक्रम। चिल्लूपार गोरखपुर उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री व चिल्लूपार विधानसभा से लगातार 6 बार तक विधायक रहे स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा का अनावरण उनके जन्मदिन 5 अगस्त को चिल्लूपार विधानसभा के नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बढ़लगंज के प्रांगण में हुआ। ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू हुआ। इसके बाद दोपहर 1 बजे 1008 जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के सांकेतिक उपस्थिति वर्चुअली माध्यम से तथा DDU के पूर्व कुलपति एवं संस्था के संरक्षक प्रोफेसर रमेश मिश्र प्रबंधक व पूर्व सांसद भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी की उपस्थिति में संपन्न किया गया। इस दौरान चिल्लूपार के तमाम वरिष्ठजन व पंडित जी के चाहने वाले इस कार्यक्रम में भारी संख्या में उपस्थित रहे। प्रेम शंकर मिश्रा व पूर्व प्रमुख राज बहादुर सिंह ने कहा कि हरिशंकर तिवारी जी के व्यक्तित्व की जितनी सराहना की जाए वह कम है। उनके समय में जितना क्षेत्र का विकास किया कार्य तेज गति से हुआ उसकी परिकल्पना भी हम नहीं किए हैं। आज उनके रिक्त की पूर्ति नहीं की जा सकती है। सदैव हम उनके सिपाही के रूप में इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते रहेंगे। पूर्व विधायक एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विनय शंकर तिवारी ने उपस्थिति जनसमूह को संबोधित करते हुए सभी के प्रति आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय परिवार के प्राचार्य प्रोफेसर राकेश पांडे ने किया। चिल्लूपार विधानसभा में एक ऐसा कार्य हो रहा है जो सभी के प्रति कहीं न कहीं एक प्रतीकात्मक या एक दृश्यात्मक रूप से लोगों को चाहने वाले में अपने आप में एक छवि दर्शा रहा है। जी हाँ, मैं आज उपस्थित हूँ चिल्लूपार के नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में, जहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री रहे और चिल्लूपार विधानसभा से लगातार 6 बार विधायक रहे पंडित हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा का अनावरण है। इस प्रतिमा अनावरण में जगत गुरु शंकराचार्य को आना था, किन्हीं कारणवश वो इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए। वर्चुअली इस प्रतिमा अनावरण में उन्होंने अपना हिस्सा लिया और प्रतिमा का अनावरण किया। आज उनके दोनों पुत्र पूर्व सांसद कुशल तिवारी जी और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी जी यहाँ के लोगों के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं और अपने पिता के उपस्थिति को लोगों के बीच में महसूस कर रहे हैं। आज कहीं न कहीं यह देखा जा रहा है कि पंडित हरिशंकर तिवारी को चाहने वाले लोग अभी भी उनको अपने पास स्थान दे रहे हैं, अपने दिल में स्थान दे रहे हैं। आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक आदमकद प्रतिमा पंडित हरिशंकर तिवारी जी की स्थापित की गई है। इसका कितना लोगों को श्रेय समझ में आता है ये आने वाला समय बताएगा। अपने सहयोगी सरफराज अहमद के साथ मैं विपिन त्रिपाठी, KBPN न्यूज गोरखपुर। धन्यवाद। देखिए, समाज में किसी की रिक्ति की पूर्ति नहीं हो सकती है। ये सनातन धर्म मानता है जो चीज़ रिक्त हो जाती है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। प्रयास हो सकता है कि आप अधिकतम उसके द्वारा बताए हुए मार्ग पे चलें और उसकी इच्छाओं के अनुरूप यदि आप कार्य करते हैं तो उस रिक्त की पूर्ति यथासंभव हो सकती है। पंडित हरिशंकर तिवारी रत्न भी थे और चिल्लूपार क्या गोरखपुर जिला के लोगों को हर आदमी के दिल में बसते थे। ठीक है, तो उनके अब तो नहीं रहे, दिवंगत आत्मा हो गए, लेकिन लोग अभी भी उनको जिंदा ही मान रहे हैं। जगह पे अब आप राजनीति में कदम रखे हैं, दो तीन बार विधायक भी रह चुके हैं, अब उनकी क्षति जैसे कैसे पूरी हो पाई, उनके कर्मों को, उनके कार्य को आप कितना आगे तक ले जाएंगे। देखिए, हमने कहा रिक्ति की पूर्ति नहीं हो सकती है, ये सनातन धर्म कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, ये सनातन धर्म कहता है। और जहाँ तक उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास है, जो भी कार्य हैं, हालांकि कार्य बहुत कम छूटे हुए हैं, क्योंकि परिवर्तन जो विकास है परिवर्तनशील होता है। विकास कोई आज कुछ है कल कुछ होगा, उसकी डिमांड कुछ होगी। आज इंटरनेट का युग है, कल नहीं था, कल कुछ और हो सकता है, दूसरी चीज़ आ जाए जो तकनीक है। आज देखिए, अभी आदरणीय शंकराचार्य महोदय जी ने दूर बैठकर हमें और आपको आशीर्वाद दिया और ये तकनीक का ही की बात है। अगर यही अगर 25 साल पहले होता तो शायद ये तकनीक नहीं संभव थी। तो जैसा अवसर आएगा उस अवसर में यहाँ के विकास के लिए कार्य किया जाए। अब लोग की अपेक्षा है आपके कामना के लिए, हमने कहा ना, अवसर जैसा आएगा उसका विकास का कार्य किया जाएगा। हमारे बीच
गोरखपुर की माटी के लाल श्री हरिशंकर तिवारी जी है। अपना पूरा जीवन उन्होंने समाज के प्रति समर्पित किया, धर्म के प्रति समर्पित किया। जहां अत्याचार अनाचार हो रहा था वहां जाकर के खड़े हुए, जो लोग दबे थे कुचले थे, जिनका शोषण किया जा रहा था उनके पक्ष में आवाज उठाई और एक अच्छा यशस्वी जीवन जीते हुए भगवान के चरणों में उनको स्थान मिला। ऐसे श्री हरिशंकर तिवारी जी की मूर्ति का अनावरण उनके प्रेमी लोग उनके सुपुत्र के साथ मिलकर के कर रहे हैं। हम स्वयं इस अवसर पर गोरखपुर आते क्योंकि हरिशंकर तिवारी जी का हमारे पूज्यपाद ब्रह्मलीन जगत गुरुजी महाराज के साथ बड़ा आत्मीय संबंध था, रिश्ता था। वे महाराज श्री का दर्शन करने के लिए आते थे और खूब धर्म की अध्यात्म की चर्चा उनके बीच में हुआ करती थी। सदा वो सेवा पूछा करते थे कि कोई सेवा हो तो बताइए। तो ऐसे हरिशंकर तिवारी जी की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर हम स्वयं आते, लेकिन ये अवसर चातुर्मास काल में पड़ रहा है और परंपरा के अनुसार चातुर्मास में सन्यासी एक ही स्थान पर रहते हैं, नदी नाला की जो सीमा होती है उस स्थान की, उस सीमा का लंघन नहीं करते हैं। तो आगामी भाद्रपद की पूर्णिमा